सो हेलो गाइस, इसी वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगा कि ब्रिज 85 क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, मतलब ब्रिज 85 के बारे में सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा। सो गाइस, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और कभी भी स्किप बिल्कुल भी मत करिए। सो हेलो गाइस, मैं हूँ अरिजीत और आप देख रहे हैं अम्यूजिंग प्रोजेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहली बात कर लेते हैं ये ब्रिज 85 है क्या। ब्रिज 85 है चारों डाट का ऐसा एक अरेंजमेंट ब्रिज सर्किट में जहाँ पे सेम पॉइंट पे मिलता है आउटपुट और जो ऑपोजिट पॉइंट है वहाँ पे होता है इनपुट। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एस कलर के और दोनों ब्लैक कलर के और असेंबली टाइप के होता है, वहाँ पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव देख सकते हैं, वहाँ होता है गाइस आउटपुट। इसी के ऑपोजिट जो दोनों लेग बचा हुआ है वो होता है गाइस इनपुट, मतलब वहाँ पर आपको इनपुट करना पड़ता है। और चाहे तो गाइस आप ब्रिज 85 खुद के हाथ से बना सकते हैं, और चाहे तो मार्केट में बहुत तरह के ब्रिज 85 मिलता है, आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। गाइस आप जो डिस्प्ले में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ब्रिज 85 बना है, जिस साइड में गाइस दोनों एस कलर के निशान है वो होता है गाइस कैथोड, और जिस साइड में ब्लैक कलर के है वो होता है गाइस एनोड, और दूसरा जो साइड है वो होता है गाइस एसी पॉइंट। एस कलर के निशान से मिलता है पॉजिटिव और ब्लैक कलर के निशान से मिलता है नेगेटिव, और दोनों पॉइंट में आपको एसी को इनपुट करना पड़ता है। गाइस ब्रिज 85 ये हो या एसी में टाइप के हो, दोनों साइड में ही पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ होता है, दोनों साइड में पॉजिटिव नेगेटिव और अपोजिट साइड में एसी होता है। गाइस मैंने यहाँ पे एक एलईडी ले लिया है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव आप जरूर डिस्प्ले में देख सकते हैं, आप चाहे यहाँ पे एलईडी और आप चाहे यह मोटर का भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस इसी एलईडी के ही पॉजिटिव और नेगेटिव को हम इसी ब्रिज 85 के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट में लगा देंगे। गाइस मैंने यहाँ पे एलईडी का यूज़ किया, आप इसको चेंज करके आप यहाँ पे मोटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो एलईडी है उसको मैंने ब्रिज 85 के साथ सोल्डर कर दिया है। तो चलिए अभी इसमें एसी के इनपुट देके देखते हैं। गाइस मैंने यहाँ पे एसी के पॉइंट को ब्रिज 85 में लगा दिया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एलईडी है वो अभी जल रही है, बट गाइस मैं इसी एलईडी को डायरेक्टली एसी में लगा दूंगा तो भी ये जो एलईडी है वो जलेगा, बट गाइस ये जो एलईडी है वो फ्लिक करेगा, मतलब ये फ्लिकर करेगा। गाइस शायद आप नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते, बट गाइस जब आप कैमरा से देखोगे तो आपको ये फ्लिकर ज़रूर नज़र आएगा। सो इसीलिए हम क्या करते हैं इसको डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो क्या होता है यहाँ पे जो एलईडी है वो डायरेक्टली जलता है। तो चलिए इसमें अभी डीसी को इनपुट देके देखते हैं। गाइस ब्रिज 85 में हम तो एसी का इनपुट देते हैं, बट गाइस आप डीसी का भी इनपुट दे सकते हैं। आप जब डीसी का इनपुट दोगे तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ये दोनों एसी पॉइंट में जब आप डीसी को इनपुट दोगे डीसी का जो पोलैरिटी है वो आपको ध्यान नहीं देना है। डीसी का पॉइंट उल्टा भी हो गया तो यहाँ पे जो एलईडी है वो जलेगा। तो चलिए इसी को एक बार मल्टीमीटर में चेक करके देखते हैं कि हम डीसी पॉइंट में जब इनपुट देते हैं तो एसी पॉइंट से क्या करंट निकलता है, तो उसी को हम चेक करके देखेंगे। इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे एक मल्टीमीटर ले लिया है और उसको मैंने डीसी मोड में सेट कर दिया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो करंट है वो लगभग 11 वोल्ट के आसपास है, और आउटपुट में आप देख सकते हैं किसी भी तरह के यहाँ पे डीसी आउटपुट नहीं निकल रहा है और किसी भी तरह के एसी भी नहीं निकल रहा है। तो चलिए गाइस इस तरह के जो ब्रिज 85 होता है उसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों एसी पॉइंट में 12 वोल्ट के एसी को इनपुट कर दिया है। सो देख सकते हैं इसके जो ऑपोजिट साइड है उसमें आप वोल्टेज को देख सकते हैं, यहाँ से आपको डीसी वोल्टेज निकल रहा है, और पोलैरिटी उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो नेगेटिव हो जाएगा। गाइस ब्रिज 85 बहुत तरह का होता है, वोल्टेज और एम्पियर के अनुसार ये चेंज हो जाता है। आप जो डिस्प्ले में देख सकते हैं कितने टाइप के यहाँ पे ब्रिज 85 होता है। सो गाइस मैंने आप लोगों को एक नॉलेज देने की कोशिश किया कि ब्रिज 85 क्या है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है और कितने टाइप के होता है। सो गाइस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट करके बोल सकते वीडियो आपको कैसा लगा। सो गाइस फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।